हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। रेखा और जया बच्चन दोनों ही अपने टाइम की बेस्ट अभिनेत्रियों में से एक थीं। जहां एक ओर रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर्स के किस्से दर्शकों के बीच फेमस है, तो दूसरी ओर जया बच्चन अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी है। कई दर्शक जानना चाहते हैं कि इन दोनों अभिनेत्रियों के पास कितनी संपत्ति है, तो हम आपको बता दें, रेखा और जया प्रॉपर्टी के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो हम आपको बताते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टी और कुल संपत्ति के बारे में, जिससे ये साबित हो जाएगा कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है। सबसे पहले बात करते हैं रेखा की, जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में रेखा कई अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ चुकी हैं। रेखा के पास मुंबई के बांद्रा में एक बंगला है जिसकी कीमत 13 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा रेखा के पास कई महंगी ज्वेलरी और कई डिजाइनर साड़ियाँ भी हैं जिनकी कीमत काफी ज्यादा है। रेखा की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास लैंड रोवर डिस्कवरी, BMW 3 सीरीज और टाटा नेक्सा जैसी महंगी गाड़ियाँ हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रेखा करीब $40 बिलियन यानी कि 25 अरब की मालकिन है। अब बात करते हैं जया बच्चन की, बिग बी की वाइफ। संपत्ति के मामले में रेखा से कम नहीं है। जया भी एक आलीशान लाइफ जीती हैं और अरबों की मालकिन है। जया के पास करीब 12 लग्जरी गाड़ियां हैं और वो अपने परिवार के साथ जुहू के जलसा में रहती हैं, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इनके पास ज्वेलरी की भी जबरदस्त कलेक्शन है। चुनाव के दौरान जया बच्चन ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जिसके अनुसार उनके पास 68 करोड़ की संपत्ति है और अमिताभ बच्चन के पास कुल 10 अरब की संपत्ति बताई थी। अब रेखा और जया में से कौन सबसे ज्यादा रईस है, इसका अंदाजा अब आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।